Hello students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. ये वीडियो कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का वीडियो है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 8 पुनरावर्तन पुल्लिंग प्रथम पुरुष शब्द का अभ्यास कार्य हम आज विकसित करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, संस्कृत में रूपांतर करें। तो गांव पहला शब्द है, गांव गांव एक वचन है, तो इसकी संस्कृत होगी ग्रामा। दो चोर, ये द्विवचन का शब्द है, यानी दो चोरों की बात हो रही है, तो यहाँ दो वचन का प्रयोग करेंगे। चोरों हो जाएगा मयूरा, एक मयूर यानी कि एक ही मोर है, तो इसकी संस्कृत हो जाएगी मयूरा। अनेक बंदर, यानी बहुत सारे बंदरों की बात हो रही है, यहाँ पर बहुवचन है, इसके बहुवचन में अनेक बंदर को वानरा यानी वानरा लिखेंगे। नेक्स्ट है दो कान, दो कान की संस्कृत होगी कर्ण, यानी द्विवचन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कर्ण होता है। दो हाथ, यहाँ भी द्विवचन है, तो हस्त हो जाएगा दादा, दादा की संस्कृत होती है पितामह। अनेक शिक्षक, यानी कि बहुत सारे शिक्षक हैं, यानी बहुवचन है, तो यहाँ पर शिक्षका हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखते हैं। पहला है कृषिका, कृषिका मतलब अनेक। नेक्स्ट है अध्यापकों, द्विवचन है यानी कि दो अध्यापक। आपणिका, आपणिका मतलब दुकानदार। शुका, शुका मतलब तोता। मंडूका, मंडूका बहुवचन शब्द है, इसलिए उसका अर्थ हो जाएगा अनेक मेढक। कपोता, कपोता मतलब कबूतर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला है एषा डैश भागते, एषा सर्वनाम शब्द है और ये एक वचन का है, इसलिए अश्व शब्द, जो दिया हुआ शब्द है वो अश्व है, तो एक वचन का ही प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वा। नेक्स्ट है ऐतो डैश गर्जता, दिया हुआ शब्द सिंह है, तो ऐतो द्विवचन का शब्द है, इसलिए यहाँ पर सिंह हो जाएगा। ते डैश इतिहासम पढ़ें, ते मतलब बेशक बहुवचन है, बहुत सारे छात्र यहाँ पर छात्र दिया गया शब्द, तो हमें इसे बहुवचन में बदलना है, जब हम बहुवचन में छात्र को बदलेंगे तो यहाँ पर छात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है सा मयूरा नृत्यति, सा मतलब वह एक वचन है, नृत्यति क्रिया भी एक वचन के है, यानी कि मयूर भी एक ही मयूर की बात हो रही है, तो यहाँ पर एक वचन यानी मयूरा सही लगाकर हम इसको एक वचन में मयूरा हो जाए। डैश करंती, ऐते मीना, मीन जो शब्द दिया गया है यहाँ पर, ऐते बहुवचन है, तो यहाँ पर मीना भी बहुवचन शब्द का प्रयोग होगा, तो मीना लगाकर इसे बहुवचन बनाते। नेक्स्ट है डैश गायंती, यानी गायंती क्रिया जो है बहुवचन की लगी है, यानी कोकिल भी हम बहुवचन में, बहुत सारी कोयल गा रही है, तो यहाँ पर कोकिला हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध, क्रिया क्या होती है इससे किसी काम के होने या करने का पता चलता है। जैसे कि इसमें पहला जो सेंटेंस है वो दिया गया है, एषा छात्रा नमंती, जो नमंती है वो क्रिया शब्द यानी नमस्कार करता है, तो नमंती यहाँ पर बहुवचन, जबकि यहाँ पर एषा एक वचन का है, छात्र भी एक वचन है, तो क्रिया भी हम एक वचन की ही लेंगे, यानी कि नमंती के स्थान पर हो जाएगा नमति, एषा छात्रा नमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूरा नृत्य नृत्यति, तो मयूरा यहाँ पर बहुवचन का शब्द है, तो हमें क्रिया भी बहुवचन की लेनी है, तो आंसर हो जाएगा इसका मयूरा नृत्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का पश्यता, पश्यता द्विवचन की क्रिया यहाँ पे लगेगी और का एक वचन का है, तो यहाँ हमें क्रिया को चेंज करना है, तो पश्यता का हो जाएगा पश्यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा का पश्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ते वानरा धावता, ते बेशक वानरा मतलब बहुत सारे बंदर, धावता यहाँ पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया है, जबकि बंदर बहुत सारे हैं, तो हम क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा धावंती, यहाँ पर धावंती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतो खगो अस्ति, तो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया भी द्विवचन की प्रयोग होगी, ऐतो भी द्विवचन सर्वनाम
तो क्रिया में हो जाएगा स्तब, एतो खगो स्तब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। पहला है अयम बालिका गृहति। अयम मतलब यह, बालिका मतलब बालक, गृहति मतलब रोता है, तो क्या हो जाएगा यह बालक रोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ते शशका संति ते मने वे सब, शशका मतलब खरगोश, संति मतलब है, यानी कि वे सब खरगोश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सा मृगा धावति। सा मतलब वह, मृगा मतलब हिरण, धावती मतलब दौड़ता है, तो वह हिरण दौड़ता है। नरा गच्छन्ति, यहाँ बहुवचन है, नरा में भी बहुवचन लगा है, गच्छन्ति क्रिया भी बहुवचन की है, यानी कि क्या हो जाएगा नरा मतलब आदमी और गच्छन्ति मतलब जाते हैं, आदमी जाते हैं। नेक्स्ट है एषः बालकः गणेशं नमति। एषः मतलब यह, बालकः मतलब बालक, गणेशं मतलब गणेश, नमति मतलब नमस्कार करते हैं, तो इसका हो जाएगा यह बालक गणेश को नमस्कार करता है। नेक्स्ट है एतो छात्रो जलम पिबता। एतो मतलब यह दो, छात्रो मतलब छात्र, यह दो छात्र जलम पिबता मतलब जल को पीते हैं, यह दो छात्र जल पीते हैं या जल को पीते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संस्कृत में अनुवाद करना। पहला है ये दो छात्र, ये दो छात्र, ये दो की संस्कृत हो जाएगी ऐसे, सर्वनाम छात्रों में भी द्विवचन लगेगा, छात्रों हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी स्ता, अस्ति स्ता स्मृति, तो ऐसे छात्रों स्ता। दूसरा है यह हाथी, ऐशा हाथी की संस्कृत होती है गजा, ऐशा गजा है मतलब अस्ति, यह हाथी। वे लड़के दौड़ते नहीं, वे वर्ग की संस्कृत ते, ते बालका नाम दौड़ते नहीं है मतलब धावती, तो ते बालका नाम धावती। रमेश नाच रहा है, तो रमेशा नाचने की संस्कृत हो जाएगी नृत्य, रमेश रमेशा नृत्य। नेक्स्ट है वे अध्यापक जा रहे हैं, वे संस्कृत यानी एक अध्यापक तो जाने लगे, कई अध्यापक है, तो ते अध्यापक का हो